शराब पीने के बाद खंडवा में चार और सनावत में दो लोगों की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने शराब बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। निमाड़ में शराब से छह मौतों के बाद इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र और खरगोन डीआईजी के सख्त होने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जांच के लिए गठित एसआईटी ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी खंडवा जिले के मोरधड़ी का निवासी है। इसी के थापना स्थित खेत से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। एसआईटी के अनुसार यहां से 542 लीटर स्प्रिट और 1000 लीटर शराब पकड़ी है, जिसे खेत में दबाकर रखा गया था। आरोपी कालका देवदीन प्रसाद के मोरधड़ी स्थित घर से शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री भी जब्त की गई है। कालका के घर से नकली स्टिकर, बॉक्स, होलोग्राम और बोतलें जब्त की गई है। इनकी संख्या हजारों में है। इसके साथ ही पुलिस ने सनावत के रोहित दुलीचंद प्रजापत और लक्की उर्फ गौरव को अपनी हिरासत में लिया है। ये लोग स्प्रिट और रंग मिलाकर नकली अंग्रेजी शराब बनाते थे और हूबहू पैकिंग में इसे बाजार में बेच देते थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों की कोर्ट से रिमांड मांगी है। बताया जा रहा है इनसे और भी कई जानकारियां हासिल की जा सकती है। कि सनावत थाने में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कुछ लोग जो ढकल गांव क्षेत्र के रहने वाले थे, वो खाटू श्याम जी के दर्शन करते और सावरिया जी के दर्शन करते राजस्थान गए हुए थे। तो उससे जाने से पूर्व उनके द्वारा यहाँ से लोकल लेवल पे शराब भेजी गई थी और उस शराब का सेवन करने के बाद जैसा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनमें से दो लोगों की जो है फिर फाइनली डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद वहाँ पे जहाँ उनकी डेथ हुई थी चित्तौड़गढ़ जिले में, वहाँ उनपे अपराध की कायमी हुई, जैसा कि उनके परिजनों द्वारा बयान दिया गया। और उसकी कायमी के बाद राजस्थान पुलिस द्वारा हमारे पास इसकी जानकारी दी गई और हमने वो डायरी सौंपी गई। जैसे ही हम लोगों को इसकी जानकारी मिली, तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की और उस एसआईटी में हम लोगों ने इसमें पता लगाने का प्रयास किया कि यह पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। इसमें जिनसे इन लोगों ने शराब खरीदी थी, सबसे पहले एक लकी जसवाल नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा हम लोग उसके एक अन्य व्यक्ति के पास पहुंचे जो रोहित प्रजापत, जहां से वो शराब लाना बताया था। और रोहित प्रजापत के माध्यम से हम लोग कालका प्रसाद नाम के व्यक्ति के पास पहुंचे और जब कालका प्रसाद से हम लोगों ने हिम्मत अमली से पूछताछ की तो उसके द्वारा जो है वो शराब बना के बॉटल करके बेचना बताया गया। उसके यहाँ जब हम लोगों ने तलाशी ली, दबिश ली, तो उसके यहाँ से हम लोगों को ये पूरा शराब, अवैध शराब बनाने का जो है सामग्री वहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें कि खाली बॉटल्स, उसके लेबल्स, उसके होलोग्राम्स, उसके ढक्कन और पैक करने का सामान और साथ में स्पिरिट जो ये है, ये हमें उसके यहाँ से मिली। इसमें जब हम लोगों ने खंडवा की पुलिस है उसके साथ भी हम लोगों ने साथ में इसमें उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की, तो उनके यहाँ पे भी अभी जो घटना हुई थी उसके भी तार इससे कालका से ही जुड़े हुए थे और संभवतः जो अन्य लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जिनके विषय में हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार किया।